शांति। आज की मुरली का टाइटल है सेवा के साथ देह में रहते विदेही अवस्था का अनुभव बढ़ाओ। और आज की डेट है 21 नवंबर 1998 तो इस मुरली में बाबा ने जैसे कहा है कि सेवा भी जरूरी है और अवस्था भी स्थिति भी जरूरी है। तो इस मुरली में कुछ बाबा ने शॉर्ट में जो कहा है, 6 खजानों की बात की है बाबा ने। बंधन मुक्त और जीवन मुक्त बना के ही रहेगा बाबा, चाहे उसके लिए कौन सी भी विधि अपनानी पड़े। तो हम ये सोचेंगे कि बंधन मुक्त और जीवन मुक्त अवस्था का विदेही के साथ क्या कनेक्शन है। और एक निशानी बताई है बाबा ने इस मुरली में, धरनी पर बैठना तपस्या की और तंदुरुस्ती की निशानी, और संपूर्ण स्टेज विदेही अवस्था है। और बाबा ने ये शब्द क्यों यूज किया है कि सेवा में रहते, माना सेवा के साथ साथ, बिकॉज सेवा ब्राह्मणों का श्वास है, धर्म है, कर्म है, कर्तव्य है, बाबा की आज्ञा है, खिलौना भी है और संगठन की मौज भी है और दुआ खुलने का दरवाजा भी है। और सबसे बड़ी बात जो चौथा सब्जेक्ट है उसके लिए ज्ञान योग और धारणाओं का थर्मामीटर भी है कि हम इन तीनों को लेकर कैसी सेवा करते हैं। और विदेही स्थिति आपको सेवा में सफलता भी दिलाती है और माया पर विजयी भी बनाती है। तो हम थोड़ा सा चिंतन भी करेंगे। अभी बढ़ते हैं हम मुरली की तरफ। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि बाप जानते हैं कि मेरा एक एक बच्चा चाहे लास्ट पुरुषार्थी भी है, फिर भी विश्व में सबसे बड़े ते बड़ा भाग्यवान है, क्योंकि भाग्य विधाता बाप को जान पहचान भाग्य विधाता के डायरेक्ट बच्चे बन गए। ऐसा भाग्य सारे कल्प में किसी आत्मा का ना है ना हो सकता है। साथ साथ सारे विश्व में सबसे संपत्तिवान वा धनवान और कोई हो नहीं सकता। चाहे कितना भी पदमपति हो, लेकिन आप बच्चों के खजानों से कोई भी तुलना नहीं है, क्योंकि बच्चों के हर कदम में पद्मों की कमाई है। सारे दिन में हर रोज चाहे एक दो कदम भी हम ध्यान दें, सारे दिन में हर रोज चाहे एक दो कदम भी बाप की याद में रहे वा कदम उठाया, तो हर कदम में पदम, तो सारे दिन में कितने कदम कितने पदम जमा हुए। ऐसा कोई होगा जो एक दिन में पदमों की कमाई करे? इसलिए बाप दादा कहते हैं, क्या कहते हैं देखो ध्यान देना, इसलिए बाप दादा कहते हैं अगर भाग्यवान देखना हो वा richest in the world आत्मा देखनी हो तो बाप के बच्चों को देखो। तो हम स्वयं अपने आप को देखें। आप बच्चों के पास सिर्फ एक स्थूल धन का खजाना नहीं, वो तो सिर्फ धन के साहूकार हैं, और आप बच्चे कितने खजानों से भरपूर हैं। खजानों की लिस्ट जानते हो ना? यह स्थूल धन तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके पास जो ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, सर्व गुणों का खजाना, खुशी का खजाना और
सर्व को सुख शांति का रास्ता बताने से जो दुआओं का खजाना मिलता है, यह अविनाशी खजाने सिवाय परमात्म बच्चों के अविनाशी इसके पास भी नहीं है। तो बाप दादा को ऐसे खजानों के मालिक बच्चों पर कितना रूहानी नाज है। बहुत अच्छा शब्द बाबा ने यूज किया है, रूहानी नाज है। बाप दादा सदा बच्चों को ऐसे संपन्न देख यही गीत गाते, वाह बच्चे वाह। आपको भी अपने पर इतना रूहानी नाज अर्थात नशा है ना? क्वेश्चन मार्क नहीं दिया है बाबा ने, मना गारंटी है बाबा को कि हमें भी रूहानी नाज है। हाथ की ताली बजा सकते हो, ब्रैकेट में लिखा है सभी ने तालियां बजाई। आगे बाबा कहते, दोनों हाथ को क्यों तकलीफ देते हो, एक हाथ की बजाओ। एक हाथ की ताली बजाना आता है ना? ब्राह्मणों का सब कुछ निराला है, ब्राह्मण शांत पसंद है, इसलिए ताली भी शांति की ठीक है। तो नशा तो सभी को सदा है भी और आगे भी रहेगा, निश्चित है। बाप दादा समय के परिवर्तन की तीव्र रफ्तार को देख बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार को भी देखते रहते हैं। बाप दादा हरेक बच्चे को जीवन मुक्त स्थिति में सदा देखने चाहते हैं। आप सबका यह चैलेंज है कि बाप से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा आकर लो। लेकिन आपको तो मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा मिल गया है ना? यहाँ बाबा ने सवाल किया है, मिल गया है ना या नहीं मिला है? किसी ने कहा होगा मिला है। सत्युग में या मुक्तिधाम में मुक्ति व जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकेंगे। हम ये अपने आप को समझाएं, बाबा ऐसा कहता क्यों है? सत्युग में या मुक्तिधाम में मुक्ति व जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकेंगे। मुक्ति जीवन मुक्ति के वर्षे का अनुभव अभी संगम पर ही करना है। जीवन में रहते समय नाजुक होते परिस्थितियां, समस्याएं, वायुमंडल डबल दूषित, क्या बोला बाबा ने, डबल दूषित होते हुए भी इन सब प्रभावों से मुक्त जीवन, इन सब प्रभावों से मुक्त, हम ध्यान देंगे इस बात पर बाबा ने डबल दूषित क्यों कहा है, ये चिंतन करेंगे बाद में। वायुमंडल डबल दूषित होते हुए भी इन सब प्रभावों से मुक्त जीवन में रहते इन सर्व भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त एक भी सूक्ष्म बंधन नहीं हो, ऐसे जीवन मुक्त बने हो व अंत में बनेंगे, अब बनेंगे या अंत में बनेंगे। जो समझते हैं अंत में बनने के बजाय अभी बनना है व बने हैं या बनना ही है, वह हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया, दोनों में मिक्स हाथ उठा रहे हैं, चतुर है, भले चतुराई करो। लेकिन देखो बाबा ने चतुराई की भी छूट दे दी, लेकिन बाप दादा अभी से स्पष्ट सुना रहे हैं, अटेंशन प्लीज। हर एक ब्राह्मण बच्चे को बाप को बंधन मुक्त जीवन मुक्त बनाना ही है, चाहे किसी भी विधि से, लेकिन बनाना जरूर है। जानते हो ना कि विधियां क्या है, इतने तो चतुर हो ना, तो बनना तो आपको पड़ेगा ही, चाहे चाहो
चाहे नहीं चाहो, बनना तो पड़ेगा ही। फिर क्या करेंगे? किसी ने कहा होगा, अभी से बनेंगे। आपके मुख में गुलाब जामुन, सबके मुख में गुलाब जामुन आ गया ना, लेकिन यह गुलाब जामुन है अभी बंधन मुक्त बनने का। ऐसे नहीं गुलाब जामुन खा जाओ। आगे, हॉल की शोभा बहुत अच्छी है, एकदम माला लगती है। यहां से आकर देखो तो ऐसे माला लगती है, माना स्टेज के ऊपर से। यह कुर्सियों वालों की माला तैयार हो गई है, अच्छा है। कारने अकारने जैसे अभी कुर्सी ली है ना, ऐसे ही जब बाप दादा फाइनल समय प्रमाण सीटी बजाएंगे कि जीवन मुक्ति की कुर्सी पर बैठ जाओ, तो भी बैठेंगे या अभी कुर्सी पर बैठे हैं? क्वेश्चन मार्क दिया है बाबा ने। ऐसे नहीं कि धरनी पर बैठे हुए कुर्सी नहीं लेंगे पहले आप। आगे बाबा ने कहा है समझानी देते हुए, धरनी पर बैठना यह है तपस्या की निशानी, तंदुरुस्ती की निशानी है, हेल्थ भी है, तपस्या द्वारा खजानों की वेल्थ भी है। तो जहां हेल्थ है, वेल्थ है, वहां हैप्पी तो है ही। तो अच्छा है हेल्दी हो, वेल्दी हो। तो हम ये सोचे कि कम से कम दिन में 21 मिनट का योग तो हम नीचे, जैसे ब्रह्मा बाबा बैठते थे सुखासन में, वैसे बैठकर हम योग करें तो पांचों तत्वों को हम डायरेक्टली सकाश दे सकते हैं और उनसे भी पॉजिटिविटी हम ले सकते हैं। आगे, तो बाप दादा आज देख रहे थे कि बच्चों की तीन प्रकार की स्टेजेस हैं। एक है पुरुषार्थी, उसमें पुरुषार्थी भी है और तीव्र पुरुषार्थी भी है, माना एक स्टेज में दोनों है, पुरुषार्थी भी और तीव्र पुरुषार्थी। दूसरे हैं जो पुरुषार्थ की प्रालब्ध जीवन मुक्त अवस्था की स्टेज में अनुभव कर रहे हैं, लेकिन लास्ट की संपूर्ण स्टेज है देह में होते भी विदेही अवस्था का अनुभव। अंडरलाइन, देह में होते भी विदेही अवस्था का अनुभव। तो तीन स्टेज देखे, पुरुषार्थ की स्टेज में ज्यादा देखे, प्रालब्ध जीवन मुक्त की। प्रालब्ध यह नहीं कि सेंटर के निमित्त बनने की, व स्पीकर अच्छे बनने की, व ड्रामा अनुसार अलग अलग विशेष सेवा के निमित्त बनने की, और डैश डैश माना बहुत सारी बातें आ गई उसमें। यह प्रालब्ध नहीं है, यह तो लिफ्ट है और आगे बढ़ने की, सर्व द्वारा दुआएं लेने की, लेकिन प्रालब्ध है जीवन मुक्त की। माना सेंटर के निमित्त बन गए, सेवाओं के निमित्त बन गए, भाषण अच्छा कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि प्रालब्ध की अवस्था में हम हैं। बाबा कहते नहीं, प्रालब्ध की अवस्था है जीवन मुक्त की। कोई बंधन नहीं हो। आप लोग एक चित्र दिखाते हो ना, साधारण अज्ञानी आत्मा को कितनी रस्सियों से बंधा हुआ दिखाते हो। वह है अज्ञानी आत्मा के लिए लोहे की जंजीर, मोटे मोटे बंधन है, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा बच्चों के बहुत महीन और आकर्षण करने वाले धागे हैं। लोहे की जंजीर अभी नहीं है जो दिखाई दे देवे, बहुत महीन है, रॉयल भी है, पर्सनालिटी फील करने वाले भी है, लेकिन वह धागे देखने में नहीं आते, अपनी अच्छाई महसूस होती है। अब ये लाइन हम आगे की बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी। अच्छाई है नहीं, लेकिन महसूस ऐसे होती है कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं,
तो बाप दादा देख रहे थे यह जीवन बंध के धागे मेजॉरिटी में, चाहे एक हो चाहे आधा हो, लेकिन जीवन मुक्त बहुत थोड़े थोड़े देखे। तो बाप दादा देख रहे थे कि हिसाब के अनुसार यह सेकेंड स्टेज है जीवन मुक्त। पहली थी पुरुषार्थ की, दूसरी जीवन मुक्त, लास्ट स्टेज तो है देह से न्यारे विदेही पन की। उस स्टेज और जो स्टेज सुनाई उसके लिए और बहुत 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 अटेंशन चाहिए। सभी बच्चे पूछते हैं 99 आएगा क्या होगा, बिकॉज 98 नवंबर की मुरली है ये, क्या करे क्या करे क्या नहीं करे। बाप दादा कहते हैं 99 के चक्कर को छोड़ो, अभी से विदेही स्थिति का बहुत अनुभव चाहिए। जो भी परिस्थितियां आ रही है, आने वाली है, उसमें विदेही स्थिति का अभ्यास बहुत चाहिए। इसलिए और सभी बातों को छोड़, यह तो नहीं होगा, यह तो नहीं होगा, क्या होगा, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। विदेही अभ्यास वाले बच्चों को अभी रिजल्ट सुनाए बाबा ने उस अभ्यास का। विदेही अभ्यास वाले बच्चों को कोई भी परिस्थिति वा कोई भी हलचल प्रभाव नहीं डाल सकती। चाहे प्रकृति के पांचों ही तत्व अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करेंगे, कैसे अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करेंगे, परंतु विदेही अवस्था की अभ्यासी आत्मा बिल्कुल ऐसा अचल अडोल पास विद ऑनर होगा जो सब बातें पास हो जाएगी, लेकिन वह ब्रह्मा बाबा बाप के समान पास विद ऑनर का सबूत रहेगा। बाप दादा समय प्रति समय इशारे देते भी है और देते रहेंगे। आप सोचते भी हो, प्लान बनाते भी हो, बनाओ, भले सोचो, लेकिन क्या होगा उससे आश्चर्यवत होकर नहीं, उस आश्चर्यवत होकर नहीं कि क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया है। आगे बाबा कहते विदेही साक्षी बन सोचो, लेकिन सोचा, प्लान बनाया और सेकंड में प्लेन स्थिति बनाते चलो। अभी आवश्यकता स्थिति की है। देखो बाबा ने टाइटल भले ही सेवा का दिया, लेकिन बाबा ने क्या कहा, अभी आवश्यकता स्थिति की है। यह विधेही स्थिति परिस्थिति को सहज पार कर लेगी, जैसे बादल आए चले गए, और विदेही अचल अडोल हो खेल देख रहे हैं। अभी लास्ट समय को सोचते हो, लेकिन लास्ट स्थिति को सोचो। बाबा चेंज किया सोचने का, लास्ट समय के बारे में नहीं सोचो। बाबा कहता लास्ट समय जब आएगा, हर एक का अलग अलग टाइम आएगा, तब तुम्हारी स्थिति कैसी होगी ये उसके बारे में सोचो। चारों ओर की सेवाओं के समाचार बाप दादा सुनते रहते हैं और दिल से सभी अथक सेवादारियों को मुबारक भी देते हैं। सेवा बहुत अच्छे उमंग उत्साह से कर रहे हैं और आगे भी करते रहो, लेकिन लेकिन सेवा और स्थिति का बैलेंस थोड़ा सा कभी इस तरफ झुक जाता है, कभी उस तरफ, इसलिए सेवा खूब करो। बाप दादा सेवा के लिए मना नहीं करते, और जोर शोर से करो, लेकिन सेवा और स्थिति का सदा बैलेंस रखते चलो। स्थिति बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है और सेवा तो सहज हो जाती है,
और देखा जाए तो सेवा में स्थिति बिगड़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। आगे बाबा कहते, इसलिए सेवा का बल थोड़ा स्थिति से ऊंचा हो जाता है। बैलेंस रखो और बाप दादा की सर्व सेवा करने वाले आत्माओं की संबंध संपर्क में आने वाले ब्राह्मण परिवार की ब्लेसिंग लेते चलो। यह दुआओं का खाता बहुत जमा करो। अभी की दुआओं का खाता आप आत्माओं में इतना संपन्न हो जाए जो द्वापर से आपके चित्रों द्वारा सभी को दुआएं मिलती रहेगी। एक मिनट, हेलो दीदी, कौन से सन की मुरली है ये? हेलो, ओम शांति दीदी। 21 नवंबर 98 है, 21 नवंबर 1998। ठीक है। अभी की दुआओं का खाता आप आत्माओं में इतना संपन्न हो जाए जो द्वापर से आपके चित्रों द्वारा सभी को दुआएं मिलती रहेगी। अनेक जन्म में दुआएं देनी है लेकिन जमा एक जन्म में करनी है, इसलिए क्या करेंगे? स्थिति को सदा आगे रख, सेवा में आगे बढ़ते चलो। बाबा ने बहुत बड़ी समझानी दी है, स्थिति को सदा आगे रख, सेवा में आगे बढ़ते चलो। क्या होगा यह नहीं सोचो। ब्राह्मण आत्माओं के लिए अच्छा है, अच्छा ही होना है, अंडरलाइन, लेकिन तुम ब्राह्मण आत्मा होने चाहिए, ठीक है? लेकिन बैलेंस वालों के लिए सदा अच्छा है, बैलेंस कम तो कभी अच्छा कभी थोड़ा अच्छा। सुना क्या करना है? क्वेश्चन मार्क सोचने के हिसाब से आश्चर्यवत हो के सोचने को फिनिश करो। यह तो नहीं होगा, यह तो नहीं होगा। वह स्थिति को नीचे ऊपर करता है, समझा? नए नए भी बहुत आए हैं जो इस कल्प में पहली बार मधुबन आए हैं, वह हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, बाप दादा नए नए बच्चों को देख खुश होते हैं और बड़े खुशी से बाप दादा वेलकम बच्चे कर रहे हैं। अच्छा है जो फाइनल समाप्ति के पहले पहुंच गए हो, फिर भी मिलने के समय पर पहुंचे हो, इसलिए पीछे आने वालों को अभी भी चांस है आगे बढ़ने का। क्या बोला बाबा ने? पीछे आने वालों को अभी भी चांस है आगे बढ़ने का, तो आप लोग गोल्डन चांस ले लो। अच्छा, आगे, गुजरात से समर्पण वाली कुमारियों का ग्रुप आया है। अहमदाबाद मेले में 38 कुमारियों का समर्पण समारोह 13 नवंबर को मनाया गया था। वे सभी बाप दादा के सम्मुख बैठी थी। समर्पण तो हुए, बहुत अच्छा हुआ, सेवा भी हुई, मनाया भी और सेवा का भाग्य भी बनाया। अभी और भी कोई समर्पण समारोह मनाना है व मना लिया, बस फिनिश हुआ क्या? तो बाप दादा यही कहेंगे कि यह पूरा ग्रुप बंधन मुक्त का समर्पण समारोह मनावे। है ताकत? क्या बोलता है बाबा? है ताकत? अगर है तो हाथ की ताली बजाओ। एक दो को देखकर नहीं उठाना, अहमदाबाद को तो वरदान है, सेवा का फल भी है और सेवा का बल भी है, क्योंकि नजदीक है ना। इसलिए ऐसा समर्पण समारोह मनाना, फिर बाप दादा आफरीन देंगे, ठीक है ना? पहले मैं, इसमें दूसरों को नहीं देखना। पहले बड़े बड़े करे फिर हम करेंगे, नहीं, पहले मैं, ठीक है? अच्छा, आपस में इस पर रू रिहान करना और एक दो को वायदा याद कराते आगे बढ़ते रहना। अच्छा, एजुकेशन विंग की ट्रेनिंग में लगभग
100 टीचर्स आए हैं, उनके आगे बाबा बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई, अच्छी लगी क्या? अभी सेवा में आगे बढ़ेंगे, यह तो बहुत अच्छा। परंतु जो आज बाप दादे ने कहा, अपने आप को भी ट्रेंड करना, पहले स्व की ट्रेनिंग, साथ में सर्व के प्रति ट्रेनिंग, तो डबल कार्य करते हुए आगे बढ़ते जाना, उड़ते जाना, उड़ने वाले हो ना। अच्छा, यह मधुबन की ट्रेनिंग को अविनाशी रखना, जैसे सेवा में चांस लेने का संकल्प रहता है, चांस ले, ऐसे ही स्वस्थिति में आगे बढ़ने का भी चांस लेते रहना। आज बाबा ग्रुप से भी स्थिति की ही बात कर रहे हैं। अच्छा है ना, बाप दादा देखेंगे कौन नंबर वन अर्थात बैलेंस में विन प्राप्त करने वाले हैं। बहुत अच्छा, पंजाब वालों ने पहले ग्रुप में सेवा की है, उस ग्रुप से बाबा मिल रहे हैं, क्योंकि सीजन नवंबर में पहली बार मिलने आया है बाबा, इसलिए। अच्छा, बड़ा ग्रुप है, अच्छा चांस मिला है। पंजाब को बाप दादा विशेष एक बात की मुबारक देते हैं, जानते हो कौन सी? पंजाब ने कल राठी जमीन को फलदायक बनाने में अच्छी उन्नति की है। कल राठी माना ऐसी जमीन जहां कोई भी बीज डालो तो वो उगता नहीं। प्रोग्रेस अच्छी है, इसलिए मुबारक हो। और भी पंजाब शेर गाया हुआ है, आपकी दादी चंद्रमणि दादी पंजाब की सेवा पे थी, उनके बारे में बाबा कह रहे, आपकी दादी माना चंद्रमणि दादी को भी पंजाब का शेर कहते थे। तो सभी शेर हो ना, तो शेर किसका शिकार करेंगे, बकरी का? नंबर वन शेर वह है जो शेर का शिकार करे। अभी पंजाब की धरनी तो अच्छी बन गई है, अभी ऐसे विशेष वारिस बनाओ, यह है शेर का शिकार। वारिस को बाबा ने आज शेर कहा। कोई मंडलेश्वर की विशेष सेवा करके दूसरी सीजन में लेकर आओ, देखेंगे अगली सीजन में पंजाब से कितने वारिस आते हैं। अच्छा, सेवा की खुशबू तो अच्छी है, सब संतुष्ट रहते भी हैं और संतुष्ट करते भी हैं। मुबारक हो। फिर आगे डबल विदेशी ग्रुप से, विदेश का ग्रुप उठो। विदेश में भी एक विशेषता बाप दादा को बहुत अच्छी लगती है, कौन सी? सभी को उमंग उत्साह बहुत है कि विदेश के कोने कोने में बाप का स्थान बनाए, और बनाया भी है, मतलब सिर्फ बनाने का उमंग उत्साह नहीं, बनाकर भी दिखाया है। इस वर्ष कितने नए स्थान बनाए हैं? 99 की मुरली है ना ये, तो 98 की, तो किसी ने कहा 12-15। अच्छा उमंग है कि संदेश चारों ओर मिल जाए, यह लक्ष्य बहुत अच्छा है। जहां जाते हैं वहां कोई ना कोई को निमित्त बनाने की सेवा का लक्ष्य अच्छा रखते हैं, यह विशेषता है। हर एक जितना हो सकता है उतना अपने आप को सेवा के निमित्त बनाने की ऑफर भी करते हैं और प्रैक्टिकल में भी करते हैं। यही सोचते हैं कि घर घर में बाबा का घर हो। क्या बोला बाबा ने? घर घर में बाबा का घर हो। यह उमंग उत्साह बहुत अच्छा है। हम इस बात को दोनों तरीके से ले कि ये जो शरीर है ये भी घर है मुझ आत्मा का, और मुझ आत्मा में बाबा की याद हो, माना इस शरीर रूपी घर में बाबा की याद रूपी आत्मा के साथ वो कंबाइंड रहे ऐसा। इसलिए इस उमंग उत्साह के लिए बाप दादा और एडवांस में आगे बढ़ने की मुबारक दे रही है। बाप दादा विदेशी अर्थात विश्व कल्याण करने के निमित्त बनने वाले बच्चों को यही कहते हैं कि अब सेवा और विदेही अवस्था में नंबर वन विदेशी बच्चों को बनना ही है, बनना है। कब?
99 में या 2000 में बनना है, कब नहीं अब। अव्यक्त बाप की पालना का प्रत्यक्ष सबूत देना है, जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त बन विदेही स्थिति द्वारा कर्मातीत बने, तो अव्यक्त ब्रह्मा की विशेष पालना के पात्र हो, इसलिए अव्यक्त पालना का बाप को रिस्पॉन्ड देना विदेही बनने का, सेवा और स्थिति का, स्थिति के बैलेंस का, ठीक है, मंजूर है, करना ही है। बाप दादा यह नहीं सोचते, देखेंगे सोचेंगे, नहीं, करना ही है। अपनी भाषा में बोलो, करना ही है, मतलब विदेशियों से बात कर रहा है ना, तो बाबा कहते हैं अपनी अपनी मदर टंग में बोलो अपने आप को, करना ही है। जो भी सभी टीवी में देख रहे हैं, वह सभी भी ऐसे ही बोल रहे हैं ना, बाप दादा देख रहे हैं, चाहे भारत में देख रहे हैं, चाहे फॉरेन में देख रहे हैं, लेकिन सभी को उमंग आ रहा है, हम करेंगे, हम करेंगे, हमें करना ही है। एडवांस में मुबारक हो। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आप बहुत अच्छे से मुरली भी पढ़े, थैंक यू सिस्टर। अभी हम एक मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। अभी आपका मुरली चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज बैलेंस का बताया, स्वस्थिति और सेवा का बैलेंस, और आज की जो साकार मुरली है उसके स्लोगन में भी बैलेंस की बात आई है। और हम ये सब डिस्कस कर रहे थे कि कितनी तरह का बैलेंस होता है, तो उसकी लिस्ट बना रहे थे, तो अगर वो चाहें तो मैं बता सकती हूँ क्या क्या बैलेंस होते हैं। शॉर्ट में बताइए दीदी। हाँ जी, जैसे लव एंड लॉ का बैलेंस, लव एंड लॉ, याद एंड सेवा, ज्ञान एंड योग, लौकिक अलौकिक, और कर्म और योग, परमार्थ और व्यवहार, स्नेह और शक्ति, भावना और विवेक, रमणीकता गंभीरता, न्यारा प्यारा, स्थूल सूक्ष्म सेवा, ये हम लोगों ने सोचा है। बाकी और कोई अगर बैलेंस का किसी को पता है तो वो भी बता सकते हैं। ओम शांति। बहुत अच्छा। ओम शांति। आज बाबा ने कहा ना, बाप दादा हरेक बच्चों को जीवन मुक्ति का स्थिति सदा देखने चाहते हैं। और बाबा ने बताया मुक्ति व जीवन मुक्ति वर्षा हम यहाँ ही मना संगम पर ही लेना है। सतयुग में मुक्ति में, सतयुग में या मुक्तिधाम में मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकेंगे, इसलिए बाबा बोल रहे था अभी संगम पर ही करना है। जीवन में रहते समय नाजुक होते, परिस्थितियां समस्याएं या वायुमंडल डबल दूषित होते हुए भी इन सब प्रभावों से हम मुक्त जीवन में रहना, इन सर्व भिन्न भिन्न बंधनों से हम मुक्त, एक भी सूक्ष्म बंधन ना हो, ऐसे बाबा बोल दिए। थैंक यू बाबा। ओम शांति। बहुत अच्छा। सो मुक्ति माना क्या है, जीवन मुक्ति माना क्या है, उसका डेफिनेशन कोई बताना चाहते हैं? मुक्ति माना परंधाम में निराकार स्थिति में रहना, मुक्त सभी चीजों से मुक्त रहना, उसको मुक्त बोलता है, माना कोई बंधन नहीं है। जीवन मुक्ति माना शरीर में रहते हुए भी शरीर का बंधनों से, सभी बंधनों से मुक्त रहना, मेरा हिसाब से यही है। शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा अभी की दुआओं का खाता आप आत्मा में इतना संपन्न हो जाए, जो द्वापर से आपके चित्रों द्वारा सभी को दुआएं मिलती रहेंगी।
अनेक जन्म में दुआएं देनी है लेकिन जमा एक जन्म में करनी है अभी। ओम शांति। ओम शांति। सो मुक्ति का डेफिनेशन है देह में रहते देह से न्यारी स्थिति, सो आत्मिक स्वरूप की गहन अनुभूति। इसमें सुख दुख दोनों का बांध नहीं होता है। और जीवन मुक्ति माना देह में रहते देह बांध से न्यारे अर्थात आत्माभिमानी स्थिति, जिसमें सुकर्मों के फलस्वरूप सुख की अनुभूति तो होती है लेकिन दुख नहीं होता है। ओम शांति। और कोई शेयर करना चाहते हैं? बाबा ने कहा अटेंशन प्लीज, जीवन मुक्ति स्थिति में है या अभी भी कोई मन का बंधन है, बाबा ने चेक करने के लिए। ओम शांति। हाँ जी। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि लास्ट पुरुषार्थी भी विश्व में सबसे बड़ा भाग्यवान, संपत्तिवान और धनवान है, और जो डायरेक्ट भगवान का बच्चा बना है सारा दिन में। और दूसरा पॉइंट था सारा दिन में हर रोज एक कदम भी बाप की याद में रहे तो हर कदम में पद्मों की कमाई है। रिचेस्ट इन द वर्ल्ड बोला है बाबा ने बच्चों को, ना कितना बड़ा टाइटल दिया, मतलब नशा चढ़ाने वाला। थैंक यू दीदी। ओम शांति। हाँ जी। और कोई शेयर करना चाहते हैं आपको जो अच्छा लगे? ओम शांति दीदी। बोलिए। हाँ जी। आज बाबा ने मुरली में सेवा और स्वस्थिति का बैलेंस बोला कि बाबा ने बोला चाहे सेवा जितनी मर्जी करो लेकिन सबसे पहले स्व की सेवा, अपनी सेवा, माना कि अपनी स्वस्थिति, आपकी स्वस्थिति बिगड़े नहीं। कई बार भी बाबा ने वरदानों और मूल्यों में भी यही बोला है कि सेवा ठीक है लेकिन जब हमारी स्वस्थिति जो है सेवा जो है हमारी स्वस्थिति को बिगाड़ती है तो ये भी एक बोझ बन जाती है। तो इसलिए अपने पहले की स्वस्थिति के ऊपर ध्यान देना। और बाबा ने फिर बोला कि लास्ट की जो संपूर्ण स्टेज है वह भी देह में होते विदेही अवस्था का अनुभव करना है। और कई बच्चे क्या सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा आगे बढ़ रहा हूँ, तो बाबा ने बोला कि ये भी जो है ना जीवन बंध के धागे हैं, बहुत महीन धागे हैं। ठीक है, जो ज्ञानी है उनके तो बड़े लोहे के बंधन है लेकिन आप लोगों की जो इतने सूक्ष्म महीन बंधन है, सोहे सोने की जो है धागे हैं, मेजोरिटी में है और है भी ये मेजोरिटी में है, चाहे वो महारथी है या चाहे कोई भी है, लेकिन इन चीजों के ऊपर अपना ध्यान देना है। बाबा ने बोला कि चाहे एक हो या चाहे आधा भी हो लेकिन जीवन मुक्त जो है बहुत बहुत थोड़े देखे हैं, अभी इस चीज के ऊपर अटेंशन देना है। ओम शांति। हाँ जी। और कोई शेयर करना चाहते हैं दीदी? बोले। बोलिए भाई जी। जैसे बाबा ने बताया है विदेही, अगर हमारी विदेही स्थिति रहेगी तो हमें प्रकृति के पांचों तत्व चाहे कोई भी हलचल हो उसमें हम सेफ रहेंगे। तो सब मिला जुला के बाबा ने विदेही स्थिति बनाने की ज्यादा टेंशन खिंचवाया है आज मुरली में। हम शांति। हाँ जी दीदी। डबल दूषित वायुमंडल दीदी बोल रहे थे बता करेंगे बात, तो वो थोड़ा सा पूछना चाहेंगे दीदी से। डबल दूषित वायुमंडल। हाँ जी। वंदना सिस्टर आप एक्सप्लेन करते हैं? हाँ एक्सप्लेन तो करेंगे बट मंथन हम भी करें सारे। डबल दूषित माना क्या, आत्मा भी विकारों से ग्रस्त हो चुकी है और प्रकृति भी तमो प्रधान हो गई है। डबल तो बाबा ने ऐसे ही कहा बट देखा जाए तो देह के संबंध सब बंधन में परिवर्तित हो चुके हैं, प्रकृति एकदम जर्जरी भूत को पा चुकी है, हेल्थ सबकी खराब हो चुकी है, आत्मा एकदम ही तमोप्रधान हो चुकी है। तो डबल क्या, हम कितने भी ट्रिपल दूषित भी कह सकते हैं। बाबा ने ये शब्द बोलकर हमें मंथन करने के लिए छोड़ दिया है कि तुम सोचो बच्चे कि कहां कहां तुम दूषित हो चुके हो।
तुम्हारी सोच, तुम्हारे संबंध, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारे सब कुछ है ना, और उसको हमें ठीक करना है। और वो करने का रास्ता जैसे बाबा ने कहा विदेही स्थिति है ना, और सेवा माना पहले स्व की करना और फिर दूसरा और फिर स्थिति। तो ये सारा जो सर्कल पूरा हो जाएगा तो वो दूषित से हम एकदम सुशोभित बन जाएंगे। ओम शांति। जी दीदी, थैंक यू दीदी। हाँ जी, सो डबल माना स्थूल और सूक्ष्म दोनों भी कह सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। जैसे सत्युगी सत्युग के लिए बोलते हैं ना, सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकार, अहिंसा परमो धर्म, डबल अहिंसक बोलते हैं ना, तो उसका ये ऑपोजिट भी हम इसको कर सकते हैं। तो वहां पर हम डबल अहिंसक हैं, यहाँ पे सब डबल दूषित हो गया है, मतलब हिंसक भी, मतलब उस तरह से भी हम ले सकते हैं इसको। दिस इज द ऑपोजिट ऑफ दैट। हाँ जी दीदी। ओम शांति। अभी मुक्ति जीवन मुक्ति का बारे में बताए ना, मेरा हिसाब से पहले बाबा बोलता था एक एक मुरली में, मुक्ति माना निरा का परंधाम का स्थिति और जीवन मुक्ति माना सुखधाम का स्थिति। सो हम इधर कैसे, बाबा यही बोलते है ना, इधर ही हम मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करना है, उसको थोड़ा एक्सप्लेन किया तो बहुत अच्छा हो। कल वाली मुरली में बाबा ने मुक्ति वर्ष के लिए बोला ना, इस वर्ष को मुक्ति वर्ष बनाना है, तो उसमें बाबा ने ये मुक्ति किस किस चीज से, ऐसी बातों में मुक्ति, यह हो गया वह हो गया, क्या करें, बनने तो चाहते थे, बनना ही है, क्या करें, नहीं, तो इस चीज से मुक्ति, इस भाषा से भी मुक्ति, होना ही है, बनना ही है, कुछ भी हो जाए, तो बाबा ने ये मुक्ति भी बोला है। हाँ जी, जो साकार मुरली में बाबा बात करते हैं कि मुक्ति के बारे में, तो बाबा ये मुक्ति का अर्थ, मुक्ति का अर्थ ये है जो अभी कहा ना कि परम धाम की स्थिति और जीवन मुक्ति माना सत्योग की स्थिति, तो साकार में कई बाबा इस यही हमें एक्सप्लेन करते कि हमें जीवन मुक्ति में जाना माना जीवन बंध स्थिति, जो शरीर में रहते हुए बंधनों से मुक्त, उसको कहते जीवन मुक्ति। और मुक्ति माना क्या कि हम शरीर से न्यारे रहना, माना वो तो हम परम धाम में रहते हैं। ये सिंपल अर्थ है, वो साकार मूल्य के आधार से भी हम ये बाबा हमें उस एंगल से बताते। बाकी आज जो बाबा ने बातें बताई वो तो थोड़ा सा डीप है, क्योंकि अव्यक्त मुरली में बाबा थोड़ा सा डीप बताते हैं ना, तो इसको थोड़ा सा और हमें अभ्यास करना है, ठीक है ना। चलिए। हाँ जी। और सबको मुक्ति माना 100% सोल कॉन्शियस, माना इसको बिंदु रूप स्थिति, बीज रूप स्थिति और संपूर्ण पवित्र और निसंकल्प स्थिति भी कह सकते हैं, माना शिव बाबा समान संपूर्ण शांति। अच्छा दीदी, मुक्ति माना ये भी तो हो सकता है ना कि अपने पुराने स्वभाव संस्कार जो भी हमारी वीकनेसेस हैं उनसे मुक्ति, और जीवन मुक्ति माना कि जीवन में रहते जीवन के जो भी बंधन है, चाहे वो देह के बंधन है, चाहे कैसे हमारे अपने सूक्ष्म बंधन है, तो उन चीजों से मुक्त रहते हुए तभी तो हम उस सुख की स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। इस दुख धाम में भी हम सुख धाम की स्थिति को अनुभव कर सकते हैं, केवल अपने जो है विचारों को परिवर्तन करके। ओम शांति। हाँ जी, माना मुक्ति माना शिव बाबा का समान बनना, जीवन मुक्ति माना ब्रह्मा बाबा का समान, जीवन में रहते सुकर्मों के फल स्वरूप हम सुख की अनुभूति करते हैं। इसको जीवन मुक्ति स्थिति माना संपूर्ण सुख निर्विकल्प स्थिति भी कह सकते हैं उसका। ओम शांति। तो आप सबको पता है कि कल हमारा बफर डे है, लेकिन हम एक मुरली थोड़ा सा अभी तक भी हमारे पड़े हुए नहीं हुए, तो कल के दिन हम बफर डे न लेकर कल के दिन भी हम मुरली ही पढ़ेंगे,
ताकि सुबह के बैच और शाम के बैच समान हो, मिला उनका जो पहला जो था ना इंटर जो कोरिलेशन वो हो जाएगा, ताकि जो जिनको भी हम भेजते मनन चिंतन उनको भी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आप सबको पता ही है, तो हम इस 3 तारीख को शिवानी बहन जी का इस अव्यक्त मुरली क्लब में प्रोग्राम रखा हुआ है, तो हम कल या परसों सभी को मैसेज भेजेंगे सभी ग्रुप में। तो 3 अक्टूबर को सुबह 5:30 बजे से 6:30 बजे तक शिवानी बहन जी ये अव्यक्त मुरली क्लब में आने वाली है। उनका सब्जेक्ट वगैरह जो कुछ है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, लेकिन आप ये डेट्स और टाइमिंग ध्यान रखना, 3 अक्टूबर सुबह 5:30 से 6:30। ठीक है, चलेगा। और कल से हम एक नया प्रोजेक्ट भी आपको बताएंगे कि एक जैसे 8:30 बजे की में हम मुरली सुबह मुरली पढ़ते हैं ना, जो लौकिक मना सॉरी जो हमारे सुबह जो रोज की साकार मुरली है उसके बजाय हम थोड़ा सा एक अलग अलग वैसे कुछ दिन अभ्यास करेंगे कि हमारे अलौकिक दिनचर्या, इसके ऊपर कल से हम प्रोजेक्ट की थोड़ा सा नया एक लॉन्चिंग करेंगे जो हम संडे से स्टार्ट करेंगे, और वो भी कुछ दिन चलेगा। सुबह 8:30 से लेकर 8:40 तक 10 मिनट चिंतन और 10 मिनट उसके ऊपर पढ़ना और 10 मिनट चिंतन और उसके बाद 10 मिनट योगाभ्यास। और भी किसी का कुछ राय है तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल सॉरी मैसेज कर सकते हो या कॉल कर सकते हैं, अगर आपके कुछ नया आइडिया है तो हमें बता सकते हैं। ठीक है, ओम शांति। पद्मा दीदी थोड़ा सा होमवर्क दीजिए और बाद में वंदना दीजिए, आप थोड़ा सा योग अभ्यास कीजिए। ओम शांति। अभी हम होमवर्क की तरफ जाएंगे। सो हम बाप दादा का चाहना है ना, हर एक बच्चे को जीवन मुक्ति स्थिति में सदा देखना चाहते हैं। सो हम कल पूरा दिन जीवन मुक्ति स्थिति का भी अभ्यास करेंगे, और बार बार हम देह में होते भी विदेही अवस्था का भी हर एक घंटा एक एक मिनट उसका भी हम अनुभव करेंगे। ओम शांति। वंदना सिस्टर आप योग करा सकते हैं। ओम शांति। अपने आप को मैं विदेही हूं ये स्वमान दे, मैं हूं ही विदेही, इस देह में रहते हुए भी मैं विदेही आत्मा, देह के हर बंधन से बंधन मुक्त हूं, कोई भी कर्मेंद्रियां मुझे उनके बंधन में नहीं बांधती है, मैं मुक्त हूं क्योंकि मैं विदेही हूं। अपने ही देह को हर एक कर्मेंद्रियों को मैं विदेही जैसा चाहे वैसा कर्म करवा सकती हूं, और उस
कर्म से न्यारी भी। रह सकती हूँ, क्योंकि मैं देह से उपराम हूँ, विदेही हूँ। अपने मन बुद्धि और संस्कारों को भी मैं संपूर्ण साक्षी होकर बुद्धि को एकाग्र कर सकती हूँ, मन की हलचल को समाप्त कर सकती हूँ और ईश्वरीय संस्कारों को इमर्ज रखकर कर्म में आ सकती हूँ, क्योंकि मैं विदेही हूँ। इसी स्मृति से मैं विदेही अपने इस देह को आज संपूर्ण आराम की स्थिति में रखकर आराम देने के लिए तैयार हूँ। ओम शांति। गुड नाइट। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को भी थैंक यू सो मच। ओम शांति। गुड नाइट। ओम शांति एंड गुड नाइट टू।